जैम 2019 के एग्ज़ाम के लिए आपके पास अभी 3 मंथ्स हैं और इसी में आपको सोचना है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तब भी आपको एक सर्टेन स्ट्रेटजी अपनानी होती है जिसके अनुसार आप कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कम समय में हम किस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रिपरेशन करते वक्त किन किन बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है। जैम के एग्ज़ाम में टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 एंड 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। पूरा पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए, बी और सी। तो आपको ये सोचना है कि किस तरीके से हम कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें मिनिमम से मिनिमम, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेक्शन ए पर, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं और ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका 50 मार्क्स का होता है। तो जैसा कि हमें आपको पहले ही पिछली वीडियो में बताया था कि सेक्शन ए जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, जिसमें कि आपको फोर चॉइस दी जाती हैं, जिसमें से आपकी सिर्फ एक चॉइस ठीक होती है, यानी कि करेक्ट आंसर होता है। इस सेक्शन में 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक आपके 1 मार्क के होते हैं और 11 से लेकर 30 तक 2 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा वेटेज का होता है। पर बात ये है कि 50 मार्क्स के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी 1 मार्क वाला क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, और यदि आप 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 2/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल। इस सेक्शन से सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करें जिसके लिए आप श्योर हों, थोड़ा भी तुक्केबाजी ना करें। तो आउट ऑफ 50 अगर आप यहाँ से सिर्फ 20 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस, तो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा। 20 मार्क्स से ज़्यादा पे ना जाएं। 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का आपका मतलब है कि आउट ऑफ 10 अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच से सिर्फ आप 2 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, उससे ही आपको 2 मार्क्स वहाँ से मिलेगा। उसके बाद 11 से लेकर 30 यानी कि उन 20 क्वेश्चंस में से अगर आप 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 12-14 मार्क्स यहाँ से स्कोर हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट, इफ़ यू आर रियली सर्टेन कि हाँ ठीक है हम और यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनके आंसर बिल्कुल सही होंगे, तो उनको अटेंड करें, यानी मैक्सिमम आपको यहाँ से सिर्फ 20 मार्क्स का अटेंड करना। सेक्शन बी में आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका ये सेक्शन सिर्फ 20 मार्क्स का होता है। याद रहे सेक्शन ए जो था वो हमारा 50 मार्क्स का था, तो सेक्शन बी जो है वो हमारा 20 मार्क्स का है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट ये सेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर एक से ज़्यादा, उसके जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे वो एक से ज़्यादा भी ही हो सकते हैं। तो अगर आपने जितने ऑप्शन सही हैं वो सभी बिल्कुल सही सही मार्क किए हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपने एक भी ऑप्शन जो सही है उसको छोड़ दिया है तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बट एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी तुक्केबाजी की जा सकती है। पर यहाँ हम यही कहेंगे कि जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा कम उसका फॉर्मूला याद है और आप उसमें ज़्यादा टाइम बिताने की सोच रहे हैं तो वैसा बिल्कुल ना करें। फिर आप बाकी के दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हैं कोई 2 या 3 क्वेश्चन, आई थिंक मोर देन इनफ रहेगा। अगर आप 3 भी अटेंड कर लेते हैं तो 3 × 6 यानी कि 6 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। तो ध्यान, हमने कहा कि सेक्शन ए से आप 12-14 मिनिमम अटेंड करें और
20 तक वहाँ पे अटेंड करने की कोशिश करें सेक्शन ए में, और यदि आप यहाँ से 6 मार्क्स का यानी कि 2 या 3 क्वेश्चंस अगर आप अटेंड कर लेते हैं सेक्शन बी से, तो भी आपका जो टोटल है वो आपका 20 से 26 के बीच आ जाएगा। सपोज़ आपने मिनिमम से मिनिमम सेक्शन ए से जो आपको आते हैं आपने 14 मार्क्स का अटेंड किया, ठीक है, और यहाँ से आपने 2-3 क्वेश्चंस अटेंड किए जो कि आपके 6 मार्क्स के है, तो आपका टोटल मार्क्स अभी तक हो गया 20 मार्क्स। ओके, तो सेक्शन ए था हमारा 50 मार्क्स का, सेक्शन बी था हमारा 20 मार्क्स का, और सेक्शन सी है हमारा 30 मार्क्स का। हम जानते हैं सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग था, बी जो था वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस थे, यानी एक से ज़्यादा चॉइसेस आपकी सही हो सकती हैं और मार्क्स आपको तभी मिल हो सकती हैं और मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपने सारी सही चॉइसेस को चूज़ किया हो। सेक्शन सी में भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सेक्शन सी में आपके 20 क्वेश्चंस हैं और ये 30 मार्क्स का है, यानी इसका वेटेज ज़्यादा है, पर यहाँ आपको चॉइस नहीं दी जाएगी, यानी कि ये पूरा सेक्शन आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा, यानी कि कोई रियल नंबर इसका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा फॉर्मूला बेस्ड, वो फॉर्मूला लगाकर आप उसको सॉल्व करेंगे, कोई आपका आंसर नंबर में आएगा और वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो चूंकि ये न्यूमेरिकल होंगे तो आपको इसमें कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ सकता है, अगर कैलकुलेटर आपको अपने साथ नहीं लेकर के आना है क्योंकि आपकी स्क्रीन पर एक वर्चुअल कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नाउ कीबोर्ड भी आपका इस तरह के एग्ज़ाम्स में वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब जो नॉर्मल आप हार्ड कीबोर्ड अपने अपने डेस्कटॉप के साथ इस्तेमाल करते हैं वो कीबोर्ड नहीं है, आपको सारा एग्ज़ाम माउस की हेल्प से देना है। तो माउस से आप स्क्रीन पर ही आपका एक कीबोर्ड बना होगा जहाँ पे सारे नंबर्स और सारे लेटर्स होंगे और वहीं से आप नंबर्स माउस की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जो आपका फिज़िकल कीबोर्ड होता है वो इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस जो 41 से 50 क्वेश्चंस तक हैं वो 1 मार्क के हैं और 51 से 60 तक हैं यानी जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें शुरू के 10 जो हैं वो एक नंबर के हैं और बाद के 10 जो हैं वो आपके 2 नंबर का है। तो इट न्यूमेरिकल बेस्ड है, सबसे बेस्ट सेक्शन है ये जहाँ पर कि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के डर के, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आंसर टाइप का प्रैक्टिस करें सो दैट यू मोर। तो हम लोग पहुँच गए थे सेक्शन ए और सेक्शन बी की मदद से टोटल स्कोर 20 तक। तो अगर यहाँ पे आप आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस सपोज़ आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, यहाँ पे सपोज़ एक क्वेश्चन आपने 1 मार्क का सॉल्व कर लिया तो 1 मार्क वहाँ से मिल गया तो आपका स्कोर हो गया 21। हम मिनिमम लेकर के चल रहे हैं, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, यानी कि मिनिमम आपको इतना तो सॉल्व करना ही है, यानी 41 से 50 तक आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आपको 1 मार्क मिल गया। उसके बाद 51 से 60 तक सपोज़ आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए यानी कि आपका हो गया 6, ठीक है। तो 6 + 1 कितना हुआ 7, तो वहाँ तक आपका स्कोर हो गया था 20 + 7, तो ये आपका हो गया 27, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी तीनों सेक्शन का मिला करके आपका टोटल स्कोर हो गया 27। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेक्शन से एक आधा क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं याद रहे सेक्शन ए से मिनिमम स्कोर मैं 14 मार्क्स का लेकर के चली थी जबकि मैंने बताया था कि मिनिमम वहाँ से आप 20 मार्क्स का तो सॉल्व करेंगे ही, बट किसी स्टूडेंट को अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो वो 14 तक भी करेगा। यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स आप टारगेट करें कि नहीं मुझे तो 80 मार्क्स का सॉल्व करना है, मुझे तो 90 मार्क्स का सॉल्व करना है, सो दैट इज़ नॉट द केस। और कभी उस स्थिति में आप तुक्के मारना शुरू कर दें तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको जो क्वेश्चन आता है सिर्फ उसी क्वेश्चन को आप मार्क करें और मिनिमम आपको 30 मार्क्स यानी 27 से 30 मार्क्स के बीच में स्कोर करना है यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। यदि आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो पहले एक बार ही रिवाइज़ कर लेते हैं। सेक्शन ए जो था वो हमारा 50 मार्क्स का था, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 एंड 2/3। सेक्शन बी हमारा 20 मार्क्स का था और उसमें हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सेक्शन सी जो था वो हमारा 30 मार्क्स का था जिसमें कि हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और सेक्शन सी सबसे बेस्ट सेक्शन है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मिनिमम मार्क्स कितने आपको चाहिए। तो अभी तक हमने एक जनरल डिस्कशन किया था, तो फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए अगर हम स्पेसिफ़िकली देखें तो 35 मार्क्स के अराउंड आप जनरल कैटेगरी में अगर स्कोर करते हैं तो यू कैन गेट अ गुड कॉलेज। इट विल बी रियली गुड इफ़ यू कैन गेट अराउंड 35 मार्क्स। एंड अगर आपको सच में एक अच्छा IIT वगैरह चाहिए तो ट्राई टू स्कोर मिनिमम 35। एंड अगर उससे ज़्यादा आप उतना एबिलिटी रखते हैं तो उससे ज़्यादा भी स्कोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मिनिमम 35 का तो लेकर करके चलें। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 मार्क्स का मिनिमम लेकर के चलें, और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट 15 मार्क्स का आप लेकर के चलें। हालांकि कट ऑफ इनकी काफ़ी कम जाती है, बट चूँकि आप IIT वगैरह का टारगेट करेंगे तो एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रैंक काफ़ी अच्छी अच्छी आती है लोगों की इन सभी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए। ये जानने के लिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें और वहाँ से टॉपिक को पिकअप करें, ना कि क्वेश्चन को, ठीक है। जो जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, उसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बट ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होता है। एंड ट्राई इतना प्रैक्टिस करें जिससे कि आप एटलीस्ट 50% पेपर जो है वो इन टाइम सॉल्व कर पाएँ, जो आपका एक्चुअल पेपर का टाइम लिमिट है। एंड ऑब्वियस इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपका प्रैक्टिस से आपका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगा ही होगा। अगर आपको इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन द कमिंग वीडियो आई विल बी सॉल्विंग फिज़िक्स पेपर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट regarding this exam or any other exam. I will try to make the video as soon as possible. Thank you. Like, share and subscribe.